यहाँ प्रॉब्लम क्या दिया, व्हाट इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी बोला है इन बिलो सर्किट डायग्राम, सी 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 दिया है। तो क्या करना है ध्यानपूर्वक देखो, पहले देखो कि ये कैपेसिटेंस सीरीज में जोड़ दिया है कि पैरेलल में जोड़ दिया है। पहले यहाँ का ये कॉपर पॉइंट इधर आ गया, ये इधर बी का बी आया, तो पहला कैपेसिटर इसको वन बोलता हूँ, वो एक टर्मिनल एक को है दूसरे बी को है। दूसरे का टर्मिनल देखो, एक टर्मिनल कहाँ जोड़ा है देखो, ये बी को, दूसरा यहाँ से इधर ए को, और इसका भी एक टर्मिनल एक को दूसरा बी को, मतलब हर कोई टर्मिनल एक ए को जोड़ा है और दूसरा कहाँ जोड़ा है बी को, मतलब यहाँ पे पहला जोड़ लगाया एक, दूसरा इधर ही लगाओ ये दो, और तीसरा इधर ही लगाओ तीन, और हर एक का कैपेसिटेंस सेम है सी सी सी। अब एक इसमें आएगा पैरेलल में, अब पैरेलल का फार्मूला पता है तुम्हें, सी प्लस सी प्लस सी कितना आएगा बोलो, 3C। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना मिला, 3C। दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया है कि हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, सी इफेक्टिव निकालना है, किस में का निकालना है, ए एंड बी में का निकालना है, ठीक है। चलो आप देखो, ये ए बी है, यहाँ पे एक नया नाम देता हूँ समझो, मैंने दिया डी, सी तो कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ ए और डी में दोनों सीरीज में है, कौन सी, इसको नाम देता हूँ वन, इसको टू, वन और टू सीरीज में है, दोनों भी सी सी है, तो ए और डी में कितना होगा, सी बाय टू, ये और ये कौन है बोलो, डी, और ए और डी में ऊपर एक है सी, यहाँ पे सी है ए और डी में, ये सी, राइट। अब क्या होगा, डी और बी में कौन है बोलो, सी है, डी और बी में सी है, और ये ए है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी में, दोनों ये दोनों इतने रीजन वाले, ये दोनों किस में आया बोलो, पैरेलल में आया, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में दोनों ऐड होंगे, सी प्लस सी बाई टू, जो कैपेसिटेंस कितना आया देखो, 3/5C, ओके दिया है पहले लाइन में ये, तो ये सीरीज में है, तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा, सीरीज में सी 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 है तो C/3, एक का वैल्यू लेना और जितने है उससे डिवाइड करना। अब ये सी सी कितना है बोलो, तो पैरेलल में कितना आएगा, C/2, और ये फिर आएगा सी, ये पहले सीरीज में आया था या ऐसा, अभी पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाएगा, मतलब सी ए बी कितना होगा, C/3 होगा प्लस C/2 होगा प्लस सी होगा C/6, ओके। क्या दिया है, 2, 2 और 1 दिया है। अब ए और बी में ये इस रास्ते में देखो, ये रास्ता जो है इसमें सीरीज में है, एक ही रास्ता आया तो सीरीज में है, तो 2 और 2 सीरीज में है तो कितना होगा, 1 होगा, तो ये दोनों के जगह 1 लगाया, और इधर भी 1 लगा दिया ए और बी में, ए और बी में भी क्या लगाया देखो, 1 लगाया, तो अब क्या होगा, सी इफेक्टिव सी ए बी, 1 और 2, 1 किस में आया, पैरेलल में आया, तो 1 माइक्रो फेराड प्लस 1 माइक्रो फेराड पैरेलल में ऐड होगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 माइक्रो फेराड। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, 2, 2, 3, 4, 4। अभी देखो ये 2 और ये 2 जो है, हम इसको 1, 2 भी बोल सकते हैं, ये पैरेलल में और ये दोनों मिलके ये तीसरे को सीरीज में है, फिर चौथा और पाँचवा पैरेलल में, तो ये दो दो पैरेलल में है तो कितना आएगा, दोनों मिल 4 आएगा, ऐड होता है पैरेलल में, 4 आया, इसको लास्ट तक ऐसा ही रखो, ये 3 माइक्रो फेराड ऐसा ही रहेगा, ए और बी 4, 4, 4, 4 का कितना आएगा पैरेलल में, 8 जाला। अब मजा आएगा, अब तीनों किस में है बोलो, सीरीज में है, तो करो बाबा, 1/C1, 1/C2, 1/8, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे देखो हम, 24 ले लेंगे, तो कितना आएगा, 4 6 24 3 8 3 8 3, मतलब कितना आएगा देखो, 9 और 18 17 है ना, 17/24, तो ये आएगा 1/CS 17/24, लेकिन हमें CS चाहिए, तो CS आएगा 24/17 माइक्रोफेराड, कितना अच्छा था देखो। यहाँ क्या बोला है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, सभी का वैल्यू सी सी दिया है। चलो अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो है, ये दोनों सीरीज में आए हुए,
और ये भी दोनों सीरीज में आएंगे। ए और बी को लास्ट तक रखना है हमको, मतलब मैं क्या करता हूँ इन दोनों की जगह सी बाय टू रखता हूँ, या अंदर ए और बी वही सही रखता हूँ, दोनों की जगह सी बाय टू इधर दिखाता हूँ, सी बाय टू कहीं भी दिखा सकते हैं, अंदर दोनों के नीचे देखो ये भी सी बाय टू, तो ये भी कितना आया देखो सी बाय टू, और बीच वाला कितना है सी, मतलब ये पॉइंट ये आया ये भी आया, तो अभी तीनों पैरेलल में आ रहा है, मतलब क्या होगा पैरेलल में तो डायरेक्ट हमें पता ऐड हो जाएगा सी बाय टू प्लस सी प्लस सी बाय टू। अब सी बाय टू प्लस सी बाय टू कितना आएगा सी, सी प्लस सी कितना आएगा आंसर टू सी। वॉट इज़ द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है सभी सी वाले हैं, तो यहाँ ए है ये, तो ये यहाँ से होके यहाँ जा रहा है, तो ये भी ये आएगा, ये नया है देखो यहाँ से कलर में दिखाता हूँ, ये यहाँ से आया ये इधर गया, तो इनको नाम क्या करता हूँ मैं, इसको नया नाम देता हूँ डी, ये भी आया डी, यहाँ से इधर गया ये भी आया डी, आया कि नहीं डी, तो हमारे पास सी कैपेसिटेंस है, बाकी सब पॉइंट है। तो अब पहले क्या करता हूँ मैं ए और लास्ट में बी निकालता हूँ, ए और लास्ट में बी, अब अंदर हमारे पास एक ही पॉइंट है कौन सा डी, सी तो कैपेसिटेंस है अंदर डी कैपेसिटेंस। अब देखो इसको मैं नंबर वन बोलता हूँ, इसको नंबर वन, तो ए और डी में है, तो ए और डी में एक गया, अब डी और ए में दूसरा आया, मतलब वो भी इधर ही लगाया, कौन सा भी टर्मिनल डी रहने तो कौन सा एक डी को लगाना है कि ए को लगा, ये तीसरा देखो ए और डी में लगाया है, ये डी है, तीसरा भी ए और डी में लगा। अब ये देखो यहाँ पे बी है ये, तो ये बी इधर आया, तो डी और बी में कौन सा रहा, ये चार नंबर का रहा डी और बी में, तो डी और बी में चार नंबर का आया, पाँच नंबर का भी बी और डी में आया, पाँच नंबर का, अब छः नंबर का भी आया उसमें, चलो सी 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 देखो, तो अब क्या हो रहा है ध्यानपूर्वक देखो, ये पहले में ये तीनों पैरेलल में आया, ये पैरेलल में आया, तो इन तीनों की जगह कितना आएगा बताओ, ये तीनों की जगह आएगा थ्री सी, इन तीनों की जगह आएगा थ्री सी राइट, और ये और भी अब ये सीरीज में आ गए, तो सीरीज में क्या होता है कितना कितने भी सेम रहने दो, जो मैं दस रहा तो एक का वैल्यू लो दस से डिवाइड करो, अब दो है तो एक का वैल्यू लो दो से डिवाइड करो, तो आंसर कितना आएगा देखो इसका हमारा 1.5 c 3/2 c, मतलब 1.5 c झाला। देखो व्हाट इज़ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, अब यहाँ क्या दिया है, ये 10 10 20 20 दिया है, ये बैटरी है, ये बैटरी दिया है और सेल दिया है, चलो अब क्या आएगा बताओ, ये दोनों आएगी एक के बाद एक आ रहा है, मतलब सीरीज में आ रहा है, तो ये ए और बी ऐसे रखता हूँ मैं, और ये 10 10 सीरीज में आया तो उसका हाफ आता है, कितना आएगा बोलो 5 माइक्रोफेरा, और ये 20 20 जो है ये सीरीज में आ रहा है तो उसका हाफ आएगा 10 माइक्रोफेरा। चलो बैटरी वही है ये और बी, उसका कुछ काम नहीं हमें ये और बी में ही निकलना। अब बताओ 10 और 5 किस में आया, 10 और 5 आ गया किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल में तो पता है डायरेक्ट ऐड होगा, तो आंसर कितना है 15 माइक्रोफेरा। व्हीटस्टोन ब्रिज केसेस क्या है, हमें ए और बी में कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरा समझो सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है, ये सी फोर है, और ये अंदर वाला सी फाइव है, सबका वैल्यू दोस्तों सी सी है। हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या है, यहाँ पे जब सी वन बाय सी टू इक्वल टू सी थ्री बाय सी फोर होता है, ये बाई ए, ये बाई ए, ये बाई ए, ये बाई ए जब होता है, तब हम ये जो अंदर वाला है ना हमारा ये सी फाइव, ये इनफेक्टिव होता है, मतलब ये है क्या नहीं है क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ये हमारा ऊपर का सर्किट कैसा होगा, ये ऊपर अब सर्किट कैसा इसको छोड़ दो, मतलब ये सर्किट ऐसा हो एक, ये इधर एक, यहाँ इधर एक, और यहाँ एक, वैसा सर्किट हो गया,
और बी में, तो ये सी 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 सी। अब ऊपर का सी सी कितना होगा, देखो ऊपर का सी सी सीरीज में आएगा, मतलब ऊपर का सी सी कितना होगा बोलो, सी बाई टू। और नीचे का भी सीरीज में आएगा, वो भी कितना होगा बोलो, सी बाई टू। जाना तो इधर कौन आएगा, ये इधर कौन आएगा, बी। अब हमें इफेक्टिव चाहिए, तो बताओ सी ए बी में इफेक्टिव कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में होंगे तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू, तो कितना मिलेगा सी। जाना इजी था बहुत, मतलब स्टोन ब्रिज ऐसा आया, जब जब ऐसा आएगा सर्किट ये कंडीशन, इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन बैलेंस्ड कंडीशन, तब ये अंदर वाला इफेक्ट लेना और सभी सेम है तो आंसर एक का लेना, ठीक है। कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, देखो अब हमें सी ए बी निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इतना पार्ट देखो बड़ा जरा, ये इतना पार्ट हमारा, ये पूरा हमारा इतना पार्ट जो है, ये कौन है बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कौन है बोलो, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बताओ ये सी, ये सी वन बोलता हूँ, ये सी टू बोलता हूँ, ये सी थ्री बोलता हूँ, ये सी फोर बोलता हूँ, ये सी फाइव। तो सी वन बाय सी टू इक्वल टू सी थ्री बाय सी फोर आया, मतलब ये तो गायब हो जाएगा और आंसर इसका सभी सी सी है तो इक्विवेलेंट सी आएगा, मतलब ये येलो पार्ट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, सी। झाले पूरा, अब रह गया नीचे वाला सी, ये और बी में, तो क्या मिल जाएगा बोलो, सी इफेक्टिव कितना मिलेगा, सी सी मतलब टू सी, ओके पैरेलल में। देखो दोस्तों यहाँ पे और एक प्रॉब्लम दिया है, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब क्या करो, जनरली ऐसा पांच कैपेसिटर आया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि चेक करो। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में पता है तुमको, हमारे पास एक इधर कैपेसिटर रहता है, एक इधर रहता है, एक यहाँ रहता है और एक यहाँ रहता है और एक अंदर रहता है, बराबर है। अब ये तो लास्ट के दो पॉइंट, ये भी, इसको नया नाम दिया एक्स वाई। अब देखो बरा, ए और एक्स में कौन है, ये टू वाला है, तो ए और एक्स में आया टू माइक्रोफेराड। एक्स और वाई में कौन है, फाइव माइक्रोफेराड है, एक्स और वाई में फाइव है। ए और वाई में थ्री है, ए वाई वाई में थ्री है, ये थ्री आया। फिर एक्स और बी में फोर है, फोर है जाला, और वाई और बी में, वाई और बी में कौन है, सिक्स है जाला। तो क्या होगा देखो, चेक करो अब, तो इसे मैं सी वन बोलता, इसे सी टू, सी थ्री, सी फोर, ये सी फाइव। अब देखो ये सी वन बाय सी टू इक्वल टू सी थ्री बाय सी फोर आ रहा है, टू बाय फोर इक्वल टू थ्री बाय सिक्स, मतलब सॉरी ये थ्री, ये कितना होना चाहिए, थ्री बाय सिक्स राइट। तो इधर कितना आया, वन बाय टू, इधर भी कितना आया, वन बाय टू, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये इनइफेक्टिव हो गया, इसे छोड़ दो तो सर्किट क्या होगा, ऊपर ये टू इधर रहेगा, ये फोर इधर रहेगा, ये नीचे थ्री रहेगा, इधर सिक्स रहेगा, इधर ये और भी, तो ऊपर टू और फोर। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो ऊपर क्या है दोस्तों, टू फोर सीरीज में है, तो टू फोर बाय टू प्लस फोर कितना आएगा, एट बाय सिक्स, मतलब फोर बाय थ्री। नीचे कितना आएगा, सिक्स इंटू थ्री, सिक्स प्लस थ्री, एटीन बाय नाइन, कितना आएगा, टू। देखो अब ऊपर कितना आया, फोर बाय थ्री ये दोनों का, और नीचे कितना आया, टू। अब ये पैरेलल में लगता है तो कितना आएगा, तो देखो आंसर पैरेलल में, पैरेलल में दोनों का एडिशन होगा, फोर बाय थ्री प्लस टू, फोर प्लस सिक्स बाय थ्री, तो आंसर कितना आएगा, टेन बाय थ्री। ओके चेक करो बराबर करना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसमें ये एंड भी निकालना है। तो इतना पार्ट देखो इसमें का, ये जो पार्ट दिखाया है इतना पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है देखो, ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इसका पूरा इफेक्टिव पहले पढ़ा है हमने, पूरा इफेक्टिव सी आएगा,
मतलब ये पूरा निकाल के कितना लगाना है बोलो, सी। तो यहाँ लगा दिया हमने वो सी, आगे भी क्या लगा दिया सी, और यहाँ नीचे भी लगा दिया सी, चला। तो ये क्या है मेरा ए, और ये क्या है बी, ख़त्म। अब क्या होगा, ऊपर देखो सी सी सीरीज में है तो कितना आएगा सी बाय टू, उसको पैरेलल कौन आएगा सी, मतलब ये आएगा ये, यह आएगा भी। अब सी बाय टू और सी पैरेलल में है तो सी इफेक्टिव कितना आएगा, सी बाय टू प्लस सी क्या होगा, सी ए बी आएगा 3 C/2। ओके, यहाँ पे हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस ए और बी में का निकालना है। अब ये क्या कर देंगे, देखो ये जो इतना पार्ट है हम इसको इस साइड में लेके जाएंगे, मतलब इसको इधर लेके जाएंगे, और इसको नाम दे देंगे देखो एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा सर्किट ऐसा होगा, एक्स वाई एक्स ए वाई। ओके, ये दोनों ये एक और ये एक इधर गए, ये टर्मिनल कौन सा आएगा मेरा ये। ओके, अब क्या होगा, इधर से जोड़ देंगे हम एक्स से सी की तरफ, ये बी की तरफ जा रहा है, इसको एक नाम देंगे हम, एक्स्ट्रा नाम देंगे डी। तो ये क्या हुआ, देखो ये डी ले लेंगे। अब ये रह गए वाई और डी में, वाई और डी में ये, और आगे एक एक्स्ट्रा है डी टू बी एस सी। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखो, इसे हम अच्छा निकाल देंगे, इसको हम ऐसा कर देंगे, देखो एक ये दो ये तीन ये चार और ये पाँच, और ये यहाँ पे सी ये बी। तो बताओ ये क्या हो गया, देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका आंसर सभी सी सी है, तो इफेक्टिव कितना आएगा सी, और आगे भी सी लगाया तो सी और सी किस में आया, सीरीज में आया, तो आंसर कितना आएगा सी बाई टू। कैलकुलेट सी ए बी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ए और बी में निकालना है। ये ऊपर ये नंबर दिया 8, हम इसको भी नंबर दे सकते हैं 9, और इसको दे सकते हैं 10, कुछ भी दे दो नंबर, हर एक का कैपेसिटेंस सी है। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ ये वायर लगाया है, मतलब इसका पोटेंशियल अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट में हमें वायर 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 को ही देखना है, कैपेसिटर को नहीं, डायरेक्ट वायर। और अब देखो यहाँ ये कैपेसिटर काम का नहीं है, तो हमारा सर्किट यहाँ से बनेगा, देखो यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर आके इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, कैपेसिटर को छोड़ दो, इक्विपोटेंशियल हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से, उसे छोड़ दो। तो यहाँ ये भी पूरा वायर ही होगा, मतलब ऐसा होगा कि यहाँ से, कलर में दिखाता हूँ कि ऐसा होगा कि यहाँ से कोई तो वायर यहाँ लगाया, मतलब ये भी एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा, तो ये दोनों भी अब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बोलो, शॉर्ट सर्किट। मतलब हमारा ये 10 और 2 3 का कैपेसिटर निकल गया, ठीक है, इधर ऐसा नहीं होगा, गया 6 7 9 में, तो इसके जगह हम वायर लगाएंगे। तो हमारा सर्किट कैसे बनेगा, देखो अब सर्किट बनेगा, एक पहला वाला डायरेक्ट वहाँ से वायर लगाओ, 4 तक वायर लगाया, क्योंकि ये पूरा वायर का काम कर रहा है। फिर आगे वही है हमारा 5, फिर आगे वही है 6, फिर आगे वही है 7, फिर आगे 8, और यहाँ ये, और यहाँ कितना आया अभी, राइट। तो सभी कौन है, सी 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 सी। अब ये इधर रह गए 6 और 7 में लगाने का, सी 6 और 7 में लगाया सी, राइट। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, पहले 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। अब देखो 6 और 7 कैसे सीरीज में है, तो इन दोनों की जगह आएगा कितना, सी बाय टू, और उसको ये पैरेलल में है, ये 9 नंबर का जो है ना, ये पैरेलल में ये सी, तो दोनों का कितना मिलेगा बताओ, दोनों का मिलेगा सी बाय टू प्लस सी, मतलब 3 C/2। तो इनके जगह मैं लगाता हूँ ये 3 C/2। देखो फिर क्या होगा, ये 1 ये 2 1 4 ये 5, और ये पूरा
ये पूरा सर्किट की जगह मैं लगाता हूँ 3C/2 का एक कैपेसिटर, 3C/2 का, आगे 8 नंबर का है, कौन सा सी। तो अब देखो दोस्तों, ए और बी में ये 4 कैपेसिटर जो है हमारे, कौन से, 1, 2, ये 3, 4 सीरीज में आ रहा है, और सीरीज में सब सेम है, तो एक की वैल्यू बाय कितने है उसे डिवाइड करना, मतलब ये आएगा C/4, और ये कितना है आगे 3C/2। अब 1C/4 और 3C/4 सीरीज में आया, तो इसे सॉल्व करो, C/4 3C/2 बाय C/4 प्लस 3C/2। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर मिलेगा 3C/14। तो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होता है ध्यानपूर्वक देखो, वो हो जाएगा 3C/14। आगे इसे सॉल्व करके देखो तुम, जरूर मिलेगा, खाली यहाँ शॉर्ट सर्किट इम्पॉर्टेंट है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना, सभी सी 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 वाले हैं, तो कैसा निकालेंगे देखो, ज़रा ध्यान दो, ये एक्स है तो ये भी पूरा एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, राइट। अब ये नया टर्मिनल है, इसको कुछ भी नाम दे दो, मैं यम नाम देता हूँ। तो अब देखो तीन ही पॉइंट है, एक्स वाई और हमारा यम। तो यहाँ देखो ये, इसको एक नंबर का कैपेसिटर बोलते हैं, एक नंबर का कहाँ लगा है देखो, एक टर्मिनल कहाँ है उसका, एक्स को, दूसरा यम को, इसका भी देखो एक यम को, एक्स का, दो नंबर का भी। तो दो कैपेसिटर लगेंगे लास्ट में, इधर एक्स वाई लेता हूँ, अंदर यम लेता हूँ, तो दो कैपेसिटर लगेंगे दोस्तों कहाँ, दो कैपेसिटर लगेंगे एक्स और यम में, वो सी सी है। और आगे यम और वाई में देखो, यम और वाई में ये तीसरा, और यम यहाँ पे यम और वाई में तीसरा आया, और एक्स और वाई में सी आया, तो यम और वाई में तीसरा नंबर का सी, और ये देखो यहाँ एक्स और वाई में सी चौथा नंबर का। तो एक्स और वाई में मैं क्या करता हूँ, इधर से लगाता हूँ एक्स, ये एक्स और वाई में सी झाला, एक्स और वाई। टू कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी देखना है, अब ये है, ये बी है, सभी सी 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 वाले हैं। तो पहले क्या करना, हमेशा याद रखो कि नया टर्मिनल कहाँ कहाँ है उसको नाम देना। अब ये डायरेक्ट ये वायर को जोड़ा है तो यही आएगा, ये बी आएगा, ये भी बी आएगा, ये भी पूरा वायर जोड़ा है यहाँ से यहाँ, ये याद रखो। अब ये भी हो गया, अब यहीं पे कहीं तो इनको नाम देते हैं हम, ये नया है तो इसको एक्स देता हूँ, ये भी नया है वाई। देखो ये सब जगह ये पूरा ये है, ये पूरा बी है, मतलब हमारे चार ही टर्मिनल आया, जनरली चार टर्मिनल आया कि विस्टन ब्रिज के जैसा तुम सॉल्व करते जाओ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ए और बी इधर लेता हूँ और एक्स और वाई इधर लेता हूँ। चलो अब एक 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 करेंगे हम, अब ए और एक्स में देखेंगे, ये और एक्स में गया, हाँ तो ए और एक्स में गया, ये सी। अब क्या करेंगे, ए और वाई में ये सी लगाएंगे, ए और वाई में सी। अब ए और बी में, ये ए और बी में है ना, तो ए और बी में डायरेक्ट क्या मिलेगा बताओ, ए और बी में सी, तो अंदर से लगाता हूँ इधर से लगाता हूँ, ए और बी में सी, देखो ये गया। एक्स और बी में ये सी, एक्स और बी में सी। अब एक्स और वाई में, एक्स और वाई में ये सी, एक्स और वाई में ये सी झल। अब बी और वाई में ये सी, बी और वाई में सी झाल। अब क्या करना है दोस्तों, ए और बी में निकालना है ना हमको। अब देखो ये सी ए सी ए सी ए सी सी, तो ये ऊपर का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है दोस्तों, ये जो है ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी सी सी है तो आंसर भी सी आएगा। तो ये पूरा रिप्लेस होगा एक ही कैपेसिटर से सी, मतलब ये आएगा सी, और नीचे लगाए वाला सी झाल। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए और बी में सी सी दो पैरेलल में है, तो आंसर मिलेगा दोस्तों 2C। यह हमारा, हमें प्रॉब्लम दिया है कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ऑल कैपेसिटर फेराड में।
ये नंबर नहीं है, ये कैपेसिटेंस फेरड में है, ये 8, 6, 3, 10, 4, 7। अब अभी के जैसा ही करो दोस्तों, ये सभी हमारा पॉइंट है, ये इधर है बी, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट है, यहाँ 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 3 पॉइंट नया है, तो इसको हम नाम दे देंगे, इसको क्या बोलेंगे, यक्स वाई सी एम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है देखो। अब हमें इसको इजी कर देंगे, हम वही करेंगे, ए बी वाई एक्स और यम, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है ना, तो ज़रा देखो इसको हम क्या करेंगे, यम तक पहले देखेंगे इसको, यम तक, ए से लेके यम तक, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो 4 ही पॉइंट मिलता है, और 4 पॉइंट आया क्या हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा, सॉल्व करते जाओ, यम यहाँ मिलेगा, यक्स इधर वाई, कहीं भी ले लो यक्स वाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ए और वाई में कितना है, 6, ये 6 आया, फिर ए और एक्स में 8 आया, ए और एक्स में 8 आया, फिर एक्स और यम में, एक्स और यम में 4, एक्स और यम में 4 आया, और वाई और यम में 3 आया, वाई और यम में 3 आया, जल। अब यम और आगे बी में कितना है देखो, 7 है, जाल। अब ए और बी में निकालना है, अब कुछ रह गया क्या एक्स और वाई में, हाँ एक्स और वाई में 10 रह गया, ये। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो, इतना सर्किट कैसा लग रहा है, जाए देखो बरा, इतना सर्किट तुम्हें कैसा लग रहा है, इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, देखो 8/4, 6/3, 1/2, 1/2, बराबर, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क में ये अंदर वाला 10 है ना, तो इनइफेक्टिव होगा, इनइफेक्टिव होगा, छोड़ दो उसे। तो सर्किट कैसा आएगा ज़रा देखो बरा, सर्किट आएगा ये इधर आएगा 8, इधर आएगा 4, इधर आएगा 6, इधर आएगा 3, इधर आएगा 7B, जाल। अब इसे सॉल्व कर दो, अभी 8/4 सीरीज में है ये, और ये 6/3 भी सीरीज में है, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 14/3 मिलना चाहिए, मिलता है क्या देखो इसको, 14/3, तो ये 14/3 और ये 7 सीरीज में आएगा ए और बी में, अभी इतना तो तुम्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब ये सीरीज में आ गया तो इसे सॉल्व करो, अब सी ए बी कितना मिलेगा, अब इसे सॉल्व करके देखो तो सी ए बी मिल जाएगा दोस्तों 14/5, ओके फैराड में आएगा आंसर, अब इतना तो कैलकुलेशन तुम पॉज करके देख लो बाबा। ए एंड बी देखो अब क्या दिया है, ए और बी दिया, इधर मत देखो बैटरी को, इतना ही करना है हमें, क्या होगा देखो, ये पहले तो ये बी है तो ये पूरा बी आएगा, ये बी को मिलेगा, ये है तो इधर ये आएगा, अब ये नया है इसको यक्स नाम दे देंगे, तो देखो ए और हम 3 ही पॉइंट मिल रहा है, ए फिर बी और फिर यक्स, ए और एक्स में कौन है, सी, ए और एक्स में कौन है, सी, ए और बी में कौन है, सी, ए और बी में कौन है, सी, ए और बी में कौन गया बोलो, सी, अब कौन रह गया, एक्स और बी में सी, एक्स और बी में सी, झल, और ये भी एक्स और बी में है, दोनों भी एक्स और बी, इधर भी एक्स और बी, इधर भी एक्स और बी, तो एक्स और बी में और एक लगाएंगे, सी सी सी, झल। अब क्या होगा, ए और बी में निकालना है हमको, तो ये दोनों से कितना मिलेगा बताओ बरा जरा, ये दोनों जो है हमारे, ये दोनों किस में, पैरल पैरल में, तो पैरल में कितना मिलता है, 2C मिलेगा, और ये इधर कितना मिलेगा बोलो, सी, तो ये भी, अब इसे सॉल्व करो, सी इंटू 2C, तो सी इंटू 2C/C+2C, 2C² / 3C, 2/3C, तो ये आया देखो 2/3C, और इधर कितना आया बोलो, सी, ये मिला ये मिला भी, अब दोनों पैरेलल में है, अब दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा बोलो, दोनों पैरेलल में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2/3C+C, 2C+3C,
बाय थ्री, तो आएगा 5C/3। तो आंसर कितना मिला, 5C/3। ओके चलो, और ए और बी में निकालना है तो इसको मैं नाम देता हूँ ये, इसको भी। चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी सी 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 है। अब ए और बी हो गया तो इधर एक नया टर्मिनल नाम देता इसको, इसको सॉरी, इसका भी कितना हो जाएगा बी, ये डायरेक्ट इधर लगाया। और ये है तो ये भी कितना हुआ, ये बी है जाला। तो देखो ए और बी में ये तीनों सीरीज में आया, तो इधर ये लगाता हूँ, इधर बी लगाता हूँ, ये तीनों सीरीज में है तो कितना आएगा दोस्तों, C/3। फिर बी और ए में ये चौथा है तो वो भी बी और ए में आएगा, मतलब बी और ए में कितना आएगा, ये भी आएगा लेकिन पैरेलल में आएगा क्योंकि बी और ए कॉमन पॉइंट है सी, जाला। तो अब क्या करना है, सी इफेक्टिव कितना आएगा, C/3 प्लस सी, तो सी प्लस 3C/3, तो 4C/3 आंसर मिला। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और एक्स में है सी, एक्स और बी में सी, और ए और बी में सी है, बी और एक्स में सी है, तो हमारे तीन ही पॉइंट है, एक ए, एक बी और फिर एक एक्स। अब ए और एक्स में सी लगाओ, ए और एक्स में सी लगा, एक्स और बी में सी लगाया, ये हो गया, ये हो गया। अब बी और एक्स में सी लगाओ, ये बी एक्स और बी में एक सी हो गया, ये दूसरा लगाएंगे, जाला ये भी गया। अब रह गया ए, ए और बी में सी, ए और बी में सी लगाओ, जाला। ओके देखो अब क्या होगा, ये दोनों का कितना होगा, देखो दोस्तों ज़रा, ये दोनों का पैरेलल में आएगा तो ये 2C होगा, जाला। ये 2C और सी किस में आएगा, सीरीज में आएगा, मतलब ये आएगा सी और ये आएगा 2C और ये आएगा सी, ये मिलेगा ये मिलेगा बी। अब ये दोनों सीरीज में है तो क्या होगा, सी इंटू 2C/C प्लस 2C, 2C² / 3C, तो 2/3C मिलेगा ये। अब ये आएगा 2/3C और ये सी पैरेलल में, तो दोनों से मिलन कितना आएगा बताओ, दोनों का एडिशन होगा, 2/3C + C, तो 2C + 3C/C, तो आंसर आएगा हमारा कितना बोलो, 5C/3। तो ये आंसर यहाँ लिखता हूँ ज़रा, 5C/3। ओके कितना इजी था, देखो इसको पॉजिटिव लेना, इसको नेगेटिव लेना, तो इधर आएगा प्लस 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 प्लस, ये भी बांटेगा दोनों तरफ प्लस 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 प्लस, जाला ये नेगेटिव बांटेगा। अब नेगेटिव दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये नेगेटिव बांटेगा, 1 2 3 4 उतना ही, 1 2 3 4 एरिया सेम है तो उतना ही रहेगा, इधर 1 2 3 4 झाला। तो एक कैपेसिटर प्लस माइनस, दूसरा प्लस माइनस, तीसरा प्लस माइनस, झाला। तो क्या करना है, इसको प्लस बोलना है, इधर एक दूसरा तीसरा, तीनों का एक प्लस इधर आया यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, झाला। और इधर कौन आएगा दोस्तों, इधर आएगा निगेटिव, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर लगेगा ये निगेटिव, बराबर है। तो ये कितना होगा, सी सी सी, और ये ए और बी है तो सी इफेक्टिव पैरेलल में लगाया तो कितना आएगा, 3C। बहुत सारे मेथड से देखो, ठीक है। ओके अब ऐसा मत सोचो कि ये इधर आएगा कैसे, ये प्लस वाला एक जगह लेना, प्लस माइनस, ये फिर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ऐसा ज्यादा में निकालना है इफेक्टिव कैपेसिटेंस। अब इसको मैं क्या नाम करता हूँ, देखो इसको नाम देता हूँ V1, तो ये भी V1 लेना, ये भी V1 लेना, ये से। अब B से क्या करना है, देखो B से ये V2, ये V2, जाना। अब ये इनको कुछ भी नहीं है, देखो इनको नाम नहीं है, V1 V2 तो हो गया लेकिन इनको नहीं है, तो इनको नया पोटेंशियल दे दो, V3 नाम दे दो, और ये ही पोटेंशियल इधर आ रहा है V3, तो इधर भी वही आएगा दोनों तरफ, बस खत्म।
एकदम इजी बताया। तो क्या क्या पॉइंट मिले हमको ए और बी में? पहले एक तरफ ए ले लो, दूसरी तरफ बी ले लो, झेलो। अब ए ए से कौन कौन है प्लेट? दो प्लेट है ए से, कौन कौन सा है देखो, ये है वन वी वन वी वन, दो प्लेट जोड़ दिया हमने। तो क्या करता हूँ देखो, ये वी वन और दूसरा वी टू, ये वी वन और ये वी वन, दो प्लेट निकालेंगे, ये भी वी वन, जानो ख़त्म हो गया, ये वी वन और ये क्या मिला, वी वन, ये दो हो गया ए से। और तीसरा भी प्लेट है वी वन, तो तीन प्लेट निकालेंगे, ये वी वन, जाला। अब क्या करना है ज़रा ध्यानपूर्वक देखो, वी वन ये वी वन हो गया, ओके, ये भी वी वन हो गया, ये भी वी वन हो गया, वी वन तीन आया। अब वी टू बी से, तो बी से वी टू के दो प्लेट निकालो, वी टू और एक प्लेट निकालो बी से, वी टू, झाला। अब कौन बाकी है देखो, हमारा वी वन वी टू में कितना कैपेसिटर है? एक है, वी वन वी टू में एक ही है, तो इसको ज़रा पास में लाता हूँ, देखो वी वन वी टू को एक बनाता हूँ, तो ये देखो ये वी वन वी टू में एक आया, वही ये इधर गया, वी टू वाला कौन गया देखो, वी टू वाला बी गया, ये आया। अब देखो वी वन वी टू में एक है, और वी वन वी थ्री में कितना है? एक है, एक है वी वन वी थ्री में, तो इसे दो नाम देता हूँ, इसे थ्री, वी वन वी थ्री। अब देखो वी वन वी थ्री में है और वी टू वी थ्री में है, तो अब मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ से वी वन वी थ्री एक निकालता हूँ, ये वी वन वी थ्री गया दो नंबर का, पहले वी वन वी टू एक नंबर का गया, वी वन वी थ्री दो नंबर का, और वी वन वी थ्री तीन नंबर का, ये वी वन वी थ्री ये तीन नंबर का, झाला ख़त्म हो गया ये तीनों। अब रह गया वी टू वी थ्री, हाँ अब वी थ्री मिलाओ, और वी टू में से एक प्लेट निकालो, एक प्लेट वी वी टू से और एक प्लेट वी थ्री से, ये वी थ्री से आएगा, झाला। अब इसे सॉल्व करो, अब कैसा सॉल्व करना है देखो, समझा के देखो फिर से, ए से वी वन वी वन वी वन, बी से वी टू वी टू, ये नया है वी थ्री, तो वी वन वी थ्री में पहले वी वन वी टू में ये कैपेसिटर निकल गया, कलर में दिखाता हूँ, ये वी वन वी टू में निकल गया, इधर आया, वी वन वी थ्री में एक गया और वी वन वी थ्री में दूसरा गया, दूसरा भी आया, फिर वी वन वी थ्री तीसरा, तीनों ही लगाया। अब रह गया कौन, बी से वी टू, बी से वी टू के दो प्लेट है ना, एक प्लेट इधर लिया वी टू वी थ्री में, ये वी टू वी थ्री में गया, ये आया। अब रह गया कौन सा हमारा, वी टू वी थ्री गया, बस पूरा हो गया, वी थ्री से वी थ्री को मिलना चाहिए, वी टू से वी टू मिलना चाहिए, बस अब चालू करेंगे हम, एक दो तीन चार, चार कैपेसिटर ख़त्म हो गए। अब ये क्या करना है देखो, पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, ये किस्मा पैरेलल में है तो कितना मिलेगा बताओ, ये पैरेलल में है तो हमें कितना मिलेगा, इन ये ऊपर ये पहला हमारा ये और इधर आया भी, ये दोनों टू और थ्री में कितना लगेगा पैरेलल में, तो ये आएगा टू सी और ये रहेगा वैसा ही एक सी जाल ए सी, ये वाला भी में। अब देखो ये टू सी, टू सी और सी सीरीज में है, तो टू सी इंटू सी बाय टू सी प्लस सी, टू सी स्क्वायर बाय थ्री सी, तो टू बाय थ्री सी मिला है, तो क्या मिलेगा ये सी और नीचे टू बाय थ्री सी, ये भी। अब दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा देखो, ये इन दोनों का में पैरेलल में ऐड होगा सी प्लस टू बाय थ्री सी, तो थ्री सी प्लस टू सी बाय थ्री, तो आंसर मिला फाइव सी बाय थ्री। ओके यहाँ पे बोला है कैलकुलेट इफेक्टिव रीजन ए एंड बी। अब ये को मैं पॉजिटिव और बी को निगेटिव करता हूँ, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल मैं कंसिडर करता हूँ वी वन वी वन, और बी का कंसिडर करता हूँ वी टू वी टू। अब यहाँ नया है तो यहाँ वी थ्री है, तो इधर भी वी थ्री लगा क्योंकि वायर से कनेक्ट है, ये वायर है हमारा,
झाला। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये एक वी वन वी टू में आ रहा है, दूसरा वी टू वी थ्री में आ रहा है, तीसरा वी वन वी थ्री में आया। तो एक इधर वाला वी वन है और इधर वाला वी टू है। तो इधर व इधर क्या करना है, देखो एक लास्ट का ये और इधर बी करना है। तो ये क्या मिलेगा, ए का वी वन और बी का कितना आएगा वी टू। तो चलो ए से क्या करना है, देखो दो वी वन वाले निकालना है, दो वी वन वाले निकाले ए से, बराबर है। और बी से दो वी टू वाले निकालेंगे, पहले वी वन वी टू में एक लगाता हूँ, वी वन वी टू में एक लगाया, वी वन वी टू में एक लगा दिया। तो वी वन वी टू का पहला गया। अब क्या करना है, वी वन वी थ्री में दो लगाना है, वी वन वी थ्री में दो लगाना है। ओ अभी ये भी हो, वी एक एक ही गया अभी, अभी वी टू वी थ्री रह गया ना हमारा, वी टू वी थ्री। तो वी टू और वी थ्री में यहाँ पे पहले मैं वी वन वी थ्री का लगाता हूँ, वी वन वी थ्री का तीसरा गया ये, वी वन वी थ्री। अब रह गया वी थ्री और वी टू का। तो वी टू से एक प्लेट निकालो, इधर लाओ वी टू से एक प्लेट, और वी थ्री से एक प्लेट निकालो, इधर लाओ। झाला खत्म हो गया। तो अब देखो क्या क्या किया, फिर से देखो ये वी वन वी टू का पहला कैपेसिटर सी, फिर वी वन वी थ्री का तीसरा, और यहाँ कौन है देखो, ये वी थ्री इधर गया और ऊपर वाला वी टू है, ये वी टू, वी टू और वी थ्री का दूसरा झाला ए और बी में। अब देखो दोस्तों ये कौन है बाबा, ये सी है, ये सी है, ये सी है। अब यहाँ ध्यान पूर्वक देखो, ये दोनों क्या हो रहा है, ये टू और थ्री नंबर का कैपेसिटर, ये टू और थ्री नंबर का कैपेसिटर सीरीज में आ रहा है ऐसा, ये ऐसा सीरीज में आ रहा है। मतलब उनका इफेक्टिव कितना होगा, देखो ऊपर का सी वैसा ही रहने दो और ये सीरीज में आ रहा है, तो कितना होगा सी बाय टू होगा, राइट। झाल अब ये कितना है बोलो, सी और सी बाय टू पैरेलल में, तो सी प्लस सी बाय टू निकालना है ए और बी में। तो कुछ मत करो, ए से वी वन वी वन दे दो, ये वी वन वी वन वी वन, बी से वी टू दे दो, ये वी टू वी टू वी टू। झाला अब पहला वी वन वी टू में है, दूसरा भी वी वन वी टू में, तीसरा भी वी वन वी टू में। तो ए से वी वन वाले तीन निकालो, एक वी वन, दूसरा वी वन, तीसरा वी वन, और बी से वी टू वाले निकालो, वी टू वी टू वी टू। ये तीनों को एक जगह मिलाओ, ये भी झाला। तो क्या मिलेगा दोस्तों बताओ, ये सी 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 तीनों पैरेलल में है, तो आंसर कितना आएगा, थ्री सी। तो ए और बी में का कैपेसिटर है थ्री सी, सी को हम एप्सिलॉन जीरो बाय डी भी लिख सकते हैं। ओके निकालना है ए और बी में, हर एक का सेपरेशन डी और एरिया ए लेना हो तो फिक्स है। चलो अब ये है तो इसे कलर में दिखाएंगे हम, इसको वी वन लेता हूँ, इसको वी वन, इसको वी टू, इसको वी टू। अब ये नया है तो ये आएगा वी थ्री, ये आएगा वी थ्री। झाल अब क्या होगा, वी वन वी थ्री में एक आएगा, वी वन वी टू में एक और वी टू वी थ्री में, हर एक अलग अलग है। तो हम क्या कर देंगे, ए से वी वन वाले दोन निकालेंगे, ए से वी वन वाले दोन निकाले। ओके अभी वी वन और वी लास्ट में वी थ्री है, वी टू है, तो इधर वी टू आएगा। तो पहले थ्री का कंप्लीट करो, वी वन और वी थ्री पहला कैपेसिटर हुआ, दूसरा वी वन और वी टू का, ये टू वाला इधर बी को, ये वी टू, वी वन और वी टू हुआ दूसरा। अब क्या होगा, ये वी वन और वी टू का कौन सा होगा दूसरा। अब बाकी कौन है देखो, वी टू वी थ्री है, तो वी टू और वी थ्री, तो वी थ्री से एक प्लेट निकालो और वी टू से एक निकालो प्लेट जालो। लेकिन ये पॉइंट तो फिक्स है ये और भी, तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में आएगा, ये ऊपर वाले दोनों इस पॉइंट में, ये और बी में। कौन कौन सीरीज में आएगा दोस्तों, ये दोनों आएगा सीरीज में। तो इनके जगह क्या मिलेगा बोलो, सी सी है, तो कितना मिलेगा सी बाय टू, तो ये होगा सी बाय टू।
एक वन रहेगा ये, एक वन रहेगा बी सी बाई टू, और नीचे लगेगा यहाँ सी झाल। अब सी बाय टू और सी किस में है, पैरेलल में है, तो आंसर कितना आएगा, ऐड हो जाएगा सी बाय टू प्लस सी, तो सी प्लस टू सी बाय टू, मतलब आंसर आएगा थ्री सी बाय टू। ओके ठीक है, ये और बी में निकालना है, तो क्या करना है देखो, ये ए का कितना है वी वन, यहाँ पे भी वी वन, वी वन यहाँ पे कितना है देखो, वी टू यहाँ पे, वी टू यहाँ पे, वी टू है यहाँ पे, वी टू है, वी वन वी टू, ये वी टू वी टू है। अब देखो ये कैपेसिटर वी वन वी टू में है, ये भी वी वन वी टू, और ये वी टू में आया, और वी टू में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम पोटेंशियल वाले कभी कैपेसिटर बनेंगे नहीं। तो झाला वी वन वी टू और वी वन वी टू में दो मिलेगा, तो ये से क्या करना है, दो वी वन वाले निकालना है, वी वन वी वन, और बी से दो वी टू वाले निकालना है, ये वी टू बी से झाला, ये सब बी बी है, ये है झाला। तो क्या होगा, ये सी सी, तो सी ए भी आएगा टू सी, मतलब टू ए सी लॉन जीरो बाई डी, खत्म, ये कैपेसिटर नहीं हुआ। देखो हमें ए और बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे देखो, अब वी ए को वी वन बोलेंगे, वी वन, बी को वी टू बोल देंगे, राइट। अब ये वी टू वी थ्री का ये नया है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, वी थ्री बोलता हूँ, ये नया है वी फोर, तो दोनों तरफ वी फोर देंगे, ये वी फोर इधर जाएगा, ऊपर मत दो इधर वी फोर जला। अब ये वी थ्री है, ये हमारा वी थ्री यहाँ से, तो इधर भी दे सकता हूँ मैं वी थ्री, इधर दे सकता है ना मैं, ये अगर अगर इधर जाता है वी थ्री तो दे देंगे इसको, ये आएगा बोलो वी थ्री, और ये भी आएगा बोलो वी थ्री। चलो अब क्या करना है ध्यानपूर्वक देखो, पहले वी वन से यहाँ थोड़ा डार्क करेंगे हम, यहाँ ए से ध्यानपूर्वक देखो, ये से वी वन के दो हैं, ये वी वन है, ये भी वी वन है, राइट। और इधर बी है दूसरी तरफ, पहले एक एक कंप्लीट करेंगे, पहले मैं वी वन वी थ्री का लेता हूँ, ये वी वन वी थ्री का आया पहला, अब वी वन वी फोर लेता हूँ दूसरा, वी वन वी फोर भी आया दूसरा, अब वी थ्री वी फोर लेता हूँ, तो वी थ्री से इधर आएगा एक, वी थ्री फोर से इधर आएगा एक, वी थ्री वी फोर, ये कितना आया तीसरा। अब वी थ्री वी टू से टू लास्ट में आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है टू, तो यहाँ एक वी थ्री यहाँ वी टू लास्ट में आ रहा है, ध्यान करो बी पे आ रहा है वी टू, ये वी टू, तो वी थ्री वी टू कहाँ आया, फोर नंबर में। ओके अब रह गया कौन, वी टू वी फोर, वी टू वी फोर, तो ये वी फोर आया, और वी टू तो लास्ट में हमारा जाला, ये वी टू है, और ये और बी तो फिक्स है दोस्तों। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे ये पूरा ये है हमारा, ये पूरा बी है, तो यहाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है हमारा, इसको मैं अब ऐसा निकालता हूँ, इसको नाम एक्स और वाई देता हूँ, और इसको ऐसा दिखाता हूँ, ए दो ये एक यहाँ एक, और एक यहाँ ये है, यहाँ कौन है बी, ठीक है। अब यहाँ सॉरी, अब यहाँ एक कैपेसिटर लगा देंगे हम, कहाँ पे, इधर एक लगाता हूँ, ये यहाँ एक लगाया, यहाँ एक लगाया, यहाँ एक लगाया, और इधर एक लगाया एक्स वाई में झाला। अब देखो ए एक्स में सी पहला वाला, ए वाई में सी दूसरा वाला, एक्स बी में चौथा वाला, और ये पांचवा वाला वाई बी में, वाई बी में पांचवा, ए सी ए सी ए सी झाला। इसका मतलब क्या हो रहा है, पूरा ये हमारा व्हीटस्टोन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क हो रहा है, तो ये इफेक्टिव होगा, और सभी का सी सी है तो इफेक्टिव भी सी आएगा।